नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई जानकारी के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ। एक बार फिर से चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और दो महत्वपूर्ण संशोधन मध्य प्रदेश के राजपत्र में किए गए हैं जो कि शिक्षक भर्ती 2018 की पात्रता परीक्षा से संबंधित है। अब दोस्तों, इन संशोधनों के साथ में बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और जैसा कि अभी आंदोलन के बाद में डीपीआई की जो संयुक्त संचालक रहे हैं, सहायक संचालक रही हैं कामना आचार्य जी मैडम, उनके द्वारा भी जो बात कही गई थी कि तिथि काउंसलिंग होगी और पद वृद्धि के साथ होगी, लेकिन कब होगी इसके बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं कहा है। अब इन संशोधनों के बाद में बिल्कुल क्लियर स्थिति बन जाती है कि निश्चित रूप से द्वितीय काउंसलिंग होगी और द्वितीय काउंसलिंग में पद भी बढ़ेंगे और पद वृद्धि के साथ में ही भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए देख लेते हैं क्या क्या संशोधन हुए हैं। तो दोस्तों, जो दो संशोधन हैं वो एक तो EWS से संबंधित है और दूसरा है शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2018 से। चलिए देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश राजपत्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल और 26 जुलाई 2022 का ये प्रकाशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और इसमें जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा यानी कि शैक्षणिक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं। चलिए जानते हैं संशोधन क्या है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जो सेवा शर्तें और भर्ती नियम है स्कूल शिक्षा विभाग की, वो 2018 की यहाँ पर बात करते हैं तो निश्चित रूप से शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा 2018 वर्ग 1 और 2 इसके अंतर्गत आती है। चलिए देखें कि उक्त नियमों में नियम 11, यहाँ पर नियमों को नंबर के हिसाब से संशोधन किया गया है क्योंकि जो पूर्व नियम है वो सभी को मालूम है। इसमें पहला पॉइंट है कि उपनियम 2 में शब्द 3 वर्ष के स्थान पर शब्द 5 वर्ष प्रतिस्थापित किया जाए। तो दोस्तों, उपनियम 2 कहता है कि जहां पर जो शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा का जो सर्टिफिकेट था उसकी जो वैधता थी वो 3 वर्ष थी, अब इसको बढ़ा करके 5 वर्ष कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से जब 5 वर्ष इसकी वैधता को बढ़ाया गया है तो पद वृद्धि भी होगी और द्वितीय काउंसलिंग के साथ में पद वृद्धि करते हुए सभी विषयों को उचित सम्मान देते हुए निश्चित रूप से सभी विषयों में पदों की वृद्धि की जाएगी। तो यहाँ पर पहला संशोधन है कि पात्रता परीक्षा के जो वैलिडिटी है उसको बढ़ा दिया गया है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि उपनियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाए, अर्थात 5 शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्ह होने के लिए यानी कि उसको क्वालिफाइड होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा। चलिए यहाँ पर क्या संशोधन है आप देख सकते हैं, कुछ संशोधन पूर्ववत रखा गया है और कुछ नया संशोधन इसमें शामिल किया गया है। वह नया संशोधन क्या है आप देख पा रहे हैं, आपके सामने एक टेबल नज़र आ रही है जिसमें कि जो संवर्ग हैं, प्रवर्ग हैं, कैटेगरीज हैं वो दिखाई दे रही हैं कि अनुसूचित जाति यानी कि SC, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति और EWS। तो ये दोस्तों EWS वाला जो पोर्शन है ये इसमें नया जोड़ा गया है और निश्चित रूप से दोस्तों काफ़ी कुछ पहले आंदोलन हुए थे कि EWS की जो पात्रता अंक हैं उनको कम किया जाए, उनको 90 से घटा करके 75 किया जाए यानी कि 60% से घटा करके 50% किया जाए और मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें संज्ञान लिया था। काफ़ी कुछ MLAs और जो सांसद थे उससे भी जुड़े हुए थे, सिसोदिया जी इससे जुड़े हुए थे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर EWS को भी 50% अंक पर क्वालिफाइड मान लिया गया है और अन्य जो बसते हैं जनरल के कैंडिडेट उनको 60% पर ही क्वालिफाइड रखा गया है यानी कि उनको पात्रता परीक्षा में 60% नंबर यानी कि 90 अंक पर ही मान्य किया गया है। जबकि आप देख पा रहे हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी कि EWS इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है वह काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहा था कि जो पात्रता अंक हैं उनमें उनको छूट दी जाए, तो 50% यानी कि 75 अंक उनको कर दिए गए हैं। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि जो रिक्त पद रहे हैं EWS कैटेगरी के यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से,
और उनका नहीं भरने का कारण रहा था कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए थे क्योंकि बाध्यता थी 60% अंकों की यानी कि 90 मार्क्स की, लेकिन अब इनको घटा करके 50% कर दिया गया है, 75 कर दिया गया है। तो वर्ग एक में भी और वर्ग दो में भी दोनों में मिलाकर लगभग 2000 ऐसे पद हैं जिन पर कि EWS कैंडिडेट की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी और वो पद खाली रहे थे। तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट के द्वारा जो इस प्रकार किया गया है तो वहाँ पर EWS कैंडिडेट को इसका फ़ायदा मिलेगा और उनकी भी नियुक्ति के चांस पूरे पूरे बनते हैं। तो दोस्तों, दो महत्वपूर्ण जानकारियां थी, दो महत्वपूर्ण संशोधन थे। एक तो है कि वैलिडिटी में वृद्धि कर दी गई है पात्रता परीक्षा की, जिसे कि 3 वर्ष से बढ़ा करके 5 वर्ष किया गया है। और दूसरा है EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो कि लगातार मांग कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनके पात्रता अंकों में कमी की गई है, 60% से घटा करके 50% किया गया है, यानी कि 90 अंक की बाध्यता को समाप्त करके अब इसे 75 अंक तक किया गया है, जो कि OBC SC ST के पात्रता अंकों के बराबर है। तो दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण जो है संशोधन थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक पक्ष और है कि जो OBC के कैंडिडेट हैं लगातार आंदोलनरत हैं, जैसा कि आप ये पिक्स के माध्यम से भी देख पा रहे हैं, और इनका आंदोलन फिर से स्टार्ट हो चुका है। और ये आंदोलन कब तक चलने वाला है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। हाई कोर्ट इसके संबंध में क्या निर्णय लेता है, तो दोस्तों जो भी निर्णय होगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से निश्चित रूप से जानकारी दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।